गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से गठबंधन की गांठ खुल गई है और इस बार किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश के जिगरी दोस्त जयंत चौधरी डूबती नाव से नीचे उतर चुके हैं। जयंत चौधरी को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार जयंत ने गठबंधन का साथ छोड़ ही दिया। और इस बीच समाजवादी पार्टी की तरह आरएलडी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आरएलडी के 4 एमएलए उनके संपर्क में हैं, जिसमें जयंत चौधरी ने कहा आरएलडी के सभी एमएलए हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जयंत चौधरी पर ईडी और सीबीआई का दबाव है और इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए के साथ जाने का फैसला ले लिया है। वहीं अब सपा नेता ने कहा जयंत पहले बीजेपी के खिलाफ थे और इस पर आरएलडी अध्यक्ष ने कहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान कैसे भुलाया जा सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक और साथी ने अखिलेश का साथ फाइनली छोड़ दिया है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के फेवर में जयंत के बयान से मचे घमासान में अब समाजवादी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। पहले अखिलेश और शिवपाल ने जयंत को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी का दिल बीजेपी के लिए धड़कने लगा। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि उनकी अगली पारी बीजेपी के साथ होगी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी को पहचानने से इनकार करने लगे हैं। आरएलडी को लेकर क्या है, मतलब बातचीत पूरी हो गई है कि आरएलडी जा रही है कि आपके साथ रहेगी? कौन सी आरएलडी? पता नहीं, आरएलडी वालों से पूछा, हमें क्या पूछा है? कभी अखिलेश यादव जिस जयंत चौधरी को जिगरी दोस्त बता रहे थे, अब उन्हीं की पार्टी के नेता जयंत के विधायकों पर डोरे डालने लगे हैं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि जयंत के विधायक उनके संपर्क में हैं। सपा विधायक ने कहा जयंत के 4 विधायक सपा के संपर्क में हैं, आरएलडी के विधायक समाजवादी के साथ हैं, जयंत चौधरी ईडी और सीबीआई के दबाव में हैं, जो पहले बीजेपी के खिलाफ थे वो बीजेपी के साथ हैं। यानी जयंत के एक फैसले से अब समाजवादी पार्टी आरएलडी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। और जो आरएलडी पिछली बार चुनाव राज्यसभा का हुआ, उन्होंने एक सीट मांगी थी जयंत चौधरी जी की। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जयंत चौधरी जी को सांसद बनाने का काम किया। आरएलडी अभी 3 दिन पहले विधानसभा के अंदर भाजपा के खिलाफ बोल रही थी और 2 दिन के अंदर कौन सी बात हो गई? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा करके इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि आरएलडी के सभी विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में अब इस बात में ना कोई शक है ना शंका कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होकर 24 के रण में दम दिखाएंगे। जयंत चौधरी ने कहा हमने अपने विधायकों से बात कर ली है, विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, हमने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है, हमारे सभी विधायक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे उसे जयंत चौधरी ने खारिज कर दिया है। साथ ही बता दिया है कि वो जल्द ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं और पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर बीजेपी के साथ वो क्लीन स्वीप के लिए दम दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगामी लोकसभा चुनाव में हैट्रिक के मिशन में जुटी बीजेपी ने गांव तक पहुंचने के लिए मेगा प्लान तैयार कर दिया है और ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए बीजेपी 50,000 गांव तक संपर्क बनाने में जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने किसान बेल्ट से की। साथ ही किसानों से उन्होंने सुझाव भी मांगे और चौधरी चरण सिंह के नाम किसानों को संदेश भी दिया। सीएम योगी ने किसानों से पूछा कि अभी भारत रत्न मिला है, किसको मिला, आप लोग खुश हैं, मोदी जी ने ये भी कर दिया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उनके अनुयायी नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सीएम योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के नाम लोगों ने सत्ता हत्याई पर उनके नाम पर कोई भी काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने उनकी कर्मभूमि में चीनी मिल लगाई।
अब चौधरी जी को भारत रत्न सम्मान भी दिया, यानी कि जाटलैंड में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसानों के साथ है और उसकी तस्वीर भी देश देख रहा है। देखिए और उत्तर प्रदेश में योगी की नीति और मोदी की रणनीति से 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी अब शहर से गांव तक मिशन मोड में है। बीजेपी ने गांव तक पहुंचने के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है। इस मौके पर सीएम योगी ने बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने जो वादा किया वो निभाया, अब यूपी में कोई दंगा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था, 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था, हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भैया बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश गांव गांव तक संगठन को मजबूत करने की है। इसके लिए पार्टी ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। इस मिशन में बीजेपी 50,000 गांव में संपर्क करेगी, 1,72,000 जगहों पर प्रवास का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी भी गांव में प्रवास करने वाले हैं। इस दौरान सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। यानी बीजेपी की कोशिश विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे को एक्सपोज करने के साथ विकास की नीति को भी जनता के सामने लाने की है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर से की है। अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती है? भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए उनका सुझाव भी एकत्र करेगी और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए बीजेपी का मकसद किसानों को साधने की है, जिसकी तस्वीर आज देखने को भी मिली, जब सीएम योगी ने ट्रैक्टर और हल का पूजन किया और किसानों के नाम बड़ा संदेश दिया। अभी भारत रत्न मिला है, किसको मिला है? खुश है ना सबको? देखो मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया, जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। चौधरी साहब के नाम पे सत्ता बहुत सारे लोगों ने हथियाई होगी, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर कोई भी काम नहीं किया और मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को उनके उनकी कर्म भूमि में चीनी मिल भी लगाई और आज भारत रत्न भी देने का काम हो गया ना। 1 महीने तक चलने वाली इस ग्राम परिक्रमा यात्रा में बीजेपी ने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को 50,000 गांवों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए संगठनात्मक जिलों में खास व्यवस्था की गई है। साथ ही 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान मिले सभी सुझावों को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देंगे और फिर चुनावी घोषणा पत्र में उसकी छाप देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 पत्ते खोल दिए हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अपने 3 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इस चुनाव में बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के 7 तो वहीं समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर जीत पहले से तय है। अब ऐसे में 8वीं सीट की फाइट जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में 8वीं सीट के लिए भी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन आठवीं सीट के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त फाइट होने वाली है। दावा है कि बीजेपी आठवीं सीट पर कैंडिडेट उतार सकती है, तो समाजवादी पार्टी भी 3 प्रत्याशियों के साथ मैदान में है। ऐसे में जो चुनाव निर्विरोध होने थे, उसमें 1 सीट की फाइट टाइट हो चुकी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ा और महिला कार्ड खेला है। बीजेपी के 4 राज्यसभा उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से हैं। बीजेपी में 2 महिला उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य को साधने की भी कोशिश हुई है। यानी राज्यसभा प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के सहारे ओबीसी और महिला कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने जो 7 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए उतारे हैं, उनमें से ओबीसी की प्रमुख जातियों में 4 चेहरे हैं, इनको राज्यसभा के लिए उतारा है। इसके अलावा 2 महिला प्रत्याशियों को भी राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। बात करें अगर सुधांशु त्रिवेदी की, तो उनको एक बार फिर राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के सहारे आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की कोशिश की है। जहां पूर्वांचल में कुशीनगर और आसपास के लोकसभा सीटों को साधने के लिए आरपीएन सिंह के चेहरे पर दांव खेला है, वहीं रायबरेली प्रतापगढ़ क्षेत्र को साधने के लिए अमरपाल मौर्य को मौका दिया है। साथ ही पश्चिम में जाटों के समीकरण को सेट करने के लिए मथुरा के पूर्व सांसद तेजवीर सिंह और आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं, ना किसी परिवार की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी है। कोई ऐसा समाज नहीं है, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे महिला हों, पुरुष हों, सबको साथ लेकर के देश को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी इन्हीं चेहरों के बल पर, इन्हीं अति पिछड़े वर्ग के बल पर चुनाव मैदान उतरना चाहते हैं, और इस सूची से ये और साफ हो गया है कि एक तो महिला, दूसरा अति पिछड़े, दलित और सबको उन्होंने समेटने का प्रयास किया है। दरअसल बीजेपी ने जिन 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, उनकी जीत तय है। ऐसे में 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी उम्मीदवार 14 फरवरी को अपना नामांकन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। कभी अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर के नाम दादी नानी की कहानी सुनाते थे, अब वो वोट बैंक की खातिर राम के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं और राम का नाम भी ले रहे हैं। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और वो अयोध्या में भगवान राम का दर्शन इसलिए करने गए हैं क्योंकि वो देश में चल रही राम लहर से डर गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। जो अरविंद केजरीवाल अब तक राम मंदिर पर दादा नानी की कहानियां सुनाया करते थे और तुष्टिकरण के नाम पर भगवान राम का मंदिर बनने का विरोध करते थे, जिनकी पार्टी के नेता सनातन विरोधी बयान देते हैं, तो केजरीवाल उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते,
वही केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव से पहले रामलला की शरण में है। आज केजरीवाल सौ परिवार अयोध्या पहुंचे और भगवान राम के दर्शन किए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तीन हफ्ते बाद भी हर दिन राम मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आम लोगों से लेकर कई वीवीआईपी हर रोज भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कल योगी कैबिनेट के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने रामलला के दर्शन किए थे, तो आज बारी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल के राम दर्शन की खबर आई, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल लगातार अपने बयानों में राम मंदिर बनने का विरोध करते रहे हैं। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया तो उस वक्त भी वो कार्यक्रम में नहीं गए थे। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ मैं जाऊँगा। बाद में चले जाएंगे जब भी, एक बार ये अभी हो जाए 22 तारीख में बहुत ज़्यादा। इसीलिए अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और वो अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने इसलिए गए हैं क्योंकि वो देश में चल रही राम लहर से डर गए हैं। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो चुनावी गणित के जरिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह के कर्म उन्होंने दिल्ली को लूटने में किए हैं, जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटा है, तो उन्हें जाके वहां सरयू में स्नान करके प्रश्न। अरविंद केजरीवाल रामलला जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर मंदिर क्यों याद आते हैं। आपकी नानी तो कुछ और कहा करती थी, नानी तो कहा करती थी कि वहां राम मंदिर नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में जब अयोध्या आप जाएं तो इसके बारे में भी देश से माफी मांगेंगे क्या। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एनडी गठबंधन के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं, और उनका यहां आना एनडी गठबंधन की आपसी फूट का भी संकेत देता है, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और अब एनडी गठबंधन के नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार के बावजूद आज वो परिवार के लोगों और भगवंत मान के साथ अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने चले गए। और वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिहार के सियासत के वो ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लाए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ऐसे में पक्ष में 129 वोट पड़े, जो बीजेपी, जेडीयू और हम के आंकड़ों से एक वोट ज्यादा है। और इस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सदन में वार पलटवार भी देखने को मिला, लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव को सरेंडर करना पड़ा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले लीजिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने वोटिंग के दौरान बिहार विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। ऐसे में विपक्ष में शून्य ही वोट पड़े। विश्वास मत पर वोटिंग के नतीजे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए, तभी ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार आसानी से बहुमत हासिल कर लें। स्थानीय सदस्य कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है।
बिहार में एनडीए के पास 128 विधायक थे, एक वोट विधानसभा स्पीकर का कम हुआ, एक विधायक दिलीप राय विधानसभा नहीं पहुंच सके, ऐसे में ये संख्या 126 हो गई। इसमें 3 आरजेडी विधायकों का समर्थन जुड़ा तो पक्ष में वोटिंग करने वालों की संख्या 129 हो गई। माननीय सदस्यगण, हां के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। और इसी के साथ लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।